राज्य सरकार ने केंद्र को बता दिया है कि राज्य में लगातार दूसरी बार सुखाड़ की स्थिति हो गई है। समय पर बारिश नहीं होने की वजह से कई जिलों की स्थिति अच्छी नहीं है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों के अधिकारियों को दिल्ली में बुलाकर खरीफ में खेती की स्थिति की जानकारी ली थी। इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया था कि 15 अगस्त तक रोपा का समय है। इस अवधि तक 40% खेतों में तय लक्ष्य के बराबर धन रोपनी नहीं हो पाई। बीते साल भी स्थिति कुछ ऐसे ही थी। लगातार दूसरे साल की स्थिति ऐसे रही तो किसानों को परेशानी होगी। केंद्र सरकार ने 30 अगस्त तक इंतजार करने को कहा है। इसके बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट देने को कहा है। मॉनसून देर आने के कारण इस बार बिछड़ा भी देर से लगा था। इस कारण कई जिलों में अब भी किसान धन रोपनी नहीं कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में बारिश की कमी अब भी 37% है। 20 अगस्त तक सामान्य बारिश 689.8 मिलीमीटर की तुलना में अब तक केवल 422.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राज्य में 31 जुलाई तक 47% बारिश की कमी दर्ज की गई थी। अगस्त में कुछ जिलों में हुई अच्छी बारिश के कारण स्थिति में सुधार है। बीते साल भी खरीफ मौसम में समय पर अच्छी बारिश नहीं हुई थी। इसके करीब 256 प्रखंड सूखे के चपेट में आ गए थे। राज्य सरकार का कैबिनेट ने इन प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर केंद्र से सूखा राहत मांगा था। केंद्र सरकार की ओर से अंतर मंत्रालय टीम ने झारखंड का दौरा भी किया था। राज्य ने केंद्र सरकार को 9,500 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था। केंद्र सरकार ने आपदा राहत कोष से करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।